मैं समद मीडियान हाथ जोड़े विनती करूँ छू। ये ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बारे में मैं हकीकत कहीं से मैं आपने कहूँ छू। भियाओ मान्य राजू नायक साहब, मान्य तिलावत जी, पहला शंकर नायक थे कर्नाटक के एक्स मिनिस्टर। वो मिनिस्टर जे थे वो 9 साल अध्यक्ष पद का भोग लिया। उसके बाद राजू नायक के लिए राजू नायक बनना चाहिए ऐसा करके शंकर नायक इन लोग ने मीटिंग थाने में मुंबई में लिए। मुंबई में लेने के बाद मीटिंग में राजू नायक को बनाने का ऐसा सोचा। अंधेरी में हॉल, अंधेरी हॉल था उसमें, तो इतने में क्या हुआ, तिलावत जी बोला मैं भी बनना चाहता हूँ। तो फिर उसमें मान्य बड़े बड़े लोग थे, मकराम पवार जी थे, के जी बंजारा थे, डॉक्टर टीसी राठौड़ थे, बहुत दिग्गज हमारे बंजारा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के, हाँ राजू नायक जी भी थे, सब थे। होने के बाद क्या हुआ, हमने कहा तिलावत जी को ऊपर लेके गया है या आप, ये बंजारा समाज वोटिंग नहीं हुआ आज तक, क्योंकि ओल्ड मदर संगठन है, इसको वोटिंग नहीं करते। उसके बाद हम लोग ने ऊपर लेके जाके तिलावत जी को समझाया तो समझा नहीं। फिर उसके बाद में वो मीटिंग कैंसिल हो गई मुंबई की। उसके बाद में आंध्रा भवन दिल्ली, आंध्रा भवन में भव्य सब लोग जितने एनएसी मेंबर थे आंध्रा भवन में आए, वहाँ पे मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद तिलावत जी और राजू नायक खड़े हो गए। राजू नायक और तिलावत जी खड़े हो गए तो उसमें एक बंदे ने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के 2-3 जन जो जीव बुद्धि बोलते ना, होशियार लोग, उसने कहा हमारे संगठन में 2 और 3 साल का प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन नहीं है, क्योंकि हमने जो डाला है रंजीत नायक साहब ने जो पास किया है 5 साल का किया है, जो भी अध्यक्ष बनेगा 5 साल करेगा बायलाज में। तो उनको हम लोग हाथ जोड़ के विनती किए। वो आदमी ने बोला जो 2-3 जन ने बुद्धि दी, अरे बायला में ही नहीं है तो तुम दोनों बांटते कैसे, क्या आप बांटेंगे कैसे क्या, तो एक काम करो 2 साल राजू नायक लेते हैं, 3 साल तिलावत जी लेता है, तो तुमको बायला जाके चेंज करना पड़ेगा। हमने क्या किया, 4 पंच किया ये बायला चेंज करने का, क्योंकि ये जो तिलावत जी भी उसमें थे 2 साल तक, आप लोग एक काम करो चार्टी कमीशन में जाके अपना जो बायला जो है डाला है रंजीत नायक साहब का उसको चेंज करके लो 2 और 3 साल का, बरोबर। वो राजू नायक खत्म होने तक कोई उसका बैलेंस चेंज नहीं किया, बराबर नहीं हुआ। उसके बाद 2 साल पूरा हो गया, राजू नायक ने एक कार्यक्रम था कल्याण में, वो कार्यक्रम में माननीय तिलावत जी कहने लग गए ये राजू नायक को, ये मुझे यही कार्यक्रम में डिक्लेयर कर दीजिए, आप मुझे यही कार्यक्रम में डिक्लेयर करो अध्यक्ष पद के लिए। माननीय राजू नायक ने कहा ये देख भाई, अभी मेरा समय है 1-2 दिन बाकी है, मैं आपको इज्जत के साथ बिठाऊंगा। तो तिलावत जी बोला नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए। तो उनकी गर्मा गर्मी हो गई। गर्मा गर्मी होने के बाद हमने उनको गर्मा गर्मी आजू बाजू में रूम में लेके गए, समझाए। 2-3 दिन के बाद तिलावत जी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अध्यक्ष, में जो राजू नायक ने हैंड ओवर कर दिया। सुनो, राजू नायक ने बोला अरे मैं तो इसको दिया ही नहीं, हैंड ओवर किया ही नहीं, ये कैसे क्या हो गया, व्हाट्सएप पे चल रहा है, ऑटोमेटिक कर लिया। ऑटोमेटिक चलते रहा भाषा, आगे पीछे। अब चलते रहा तो हमारे कमेटी ने बोला ये क्या हो सकता है, गलत हो रहा है ऐसा, जनार्दन को कैसा गलत मैसेज जा रहा है। तो मैंने क्या किया, थाने सत्कार होटल में एक मीटिंग बुलाया गया, ये भाई गरीबियों का गलत मैसेज जा रहा है। मान्य तिलावत जी को बोला, तिलावत जी आप आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। हमने संत अपने जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के जितने बड़े दिक्कत लोग थे वो थे, एनएसी मेंबर सब थे, तो उसको बाजू के होटल में मान्य बीके नायक जी और तिलावत जी वो दोनों थे। तो तिलावत जी ने कहा जो भी एनएसी मीटिंग ले रहे हैं, जो भी
इनिशियल मीटिंग ले रहे हैं, ये मीटिंग गैर कानूनी है और जितने भी एनईसी मेंबर है उसको मैं डिसमिस कर रहा हूं। तो हम लोग को सब लगा इतने हमको ही डिसमिस कर रहा है साला, इसको कुछ पद नहीं, कुछ नहीं, कागज नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम लोग ने सब मिल के उधर का उधर ही उसको डिसमिस कर दिए, सस्पेंड कर दिए तिलावत जी को। उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई कागज नहीं, कुछ भी नहीं, और हमको सस्पेंस कर रहा है। तो उसके लिए हमने उसको वहां के वहां सब पंच मिलके कौन बॉडी मिलके वहां का वहां उसको नोटिस दे दिया गया कि डिस्पेंस कर दिया। अब रहा सवाल, वो होने के बाद थोड़े दिन गए बीके नायक जी और तिलावत जी, ये गए चाटी कमिश्नर में, चाटी कमिश्नर में गए, वहां पे केस किए। केस होने के बाद राजू नायक भी गए, राजू नायक और वो दोनों चलता रहा केस। केस चलते रहा तो मुझे लगा समाज को गलत मैसेज जाता है, क्योंकि मैं कार्यक्रम में हर गरीबों का जाता हूं। तो कुछ लोग कहने लग गए, ये भाई तुम्हारा क्या है, ये दो ऑल इंडिया बंजारा सेवा में दो अध्यक्ष क्या चल रहा है। तो मुझे और दुख लगा। फिर मैंने सत्कार होटल में थाने में वो फिर कार्यक्रम बुलाया गया। तो मैंने सब लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद मैंने माननीय तिलावत जी से प्रश्न पूछा। तिलावत जी उनको बुलाया गया, बीके नायक भी थे, सब थे, उनको बुलाया। आपके पास क्लिप है, वो कुछ लोगों के पास क्लिप है, मैं आपको क्लिप शेयर करूंगा। वो क्लिप जो है, मैंने उनको प्रश्न पूछा, माननीय तिलावत जी अगर राजू नायक 2 साल यूज करने के बाद अगर नहीं दिया तो संगठन के एनएसी मेंबर बड़े है या कोर्ट कचहरी बड़ा है आपका, आप बुलाना चाहिए था, संगठन के एक कान लोग को पूछना चाहिए था, ये मुझे ये 3 साल देने वाले थे क्यों नहीं दिया, प्रश्न पूछना चाहिए था। ये क्या जमीन जायदाद है ये दोनों झगड़ा करने का, या तेरा ये क्या बोलते है उसको, भाई भाई का झगड़ा होता है जमीन का लपड़ा करने का, ये कोई जरूरी है, और ये संगठन में पैसा कुछ नहीं, तेरा क्या लालच है, ऐसा मैंने प्रश्न पूछा उनसे। और जो समाज ने रंजीत नायक साहब ने ये ऑल इंडिया को बड़ा किया, स्टैंड किया, जो बलिदान दिया, और तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने उनको बहुत एकदम प्रेशर बोलने के बाद तिलावत जी उठे आए, भाषण किया, कहा जनता अगर नाराज है मैं कल जाके कोर्ट में से केस निकाल लेता हूं, विड्रॉ कर लेता हूं, सुबह 10 बजे मैं विड्रॉ कर लेता हूं। हम सब लोग गए, माननीय जगन राव नायक जी थे, बड़े बड़े दिग्गज हमारे संगठन के अध्यक्ष थे, वो गए वहां पे। कोर्ट में जाने के बाद मैडम से कहा, मैडम हम सब एक हो गए हैं, हमें अभी कोर्ट में जो है डिसमिस करना है। मैडम बोली हैप्पी, 2 शब्द लिख के आइए दोनों मिलके, अभी कैंसिल हो जाएगा। हमने जब भी राजू नायक से सही कर लिया, तिलावत के पास गए तो तिलावत जी को बोला, तिलावत जी आप सही देखिए, तो बोला नहीं मेरे वकील को दिखाना पड़े। अरे स्वयं बोलता है मैं वकील हूं, तो वकील को दिखाना क्या, अभी आता हूं करके गया तो अभी तक भाग ही रहा है, वो हो गया। उसके बाद कोर्ट में राजू नायक तिलावत जी, राजू नायक तिलावत जी को फिर मुंबई में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं हाजिर नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई। अंधेरी में मीटिंग हुई तो जनसंख्या और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रतिनिधि सब लोग मिलके वहां पे मीटिंग लिया कि राजू नायक को कंटिन्यूस करना, क्या तिलावत को कंटिन्यूस करना, क्या तीसरा आदमी को किसको कंटिन्यूस करना। तो वहां पे डिसीजन हुआ, वोटिंग हुई, तो मेरे ख्याल से राजू नायक को 2 वोट गिरा, तिलावत को 0 गिरा और तीसरे को ज्यादा गिरा। तो जगन राव नायक जी ने कहा, संगठना ने कहा कि देखिए आपने समाज का सेवा, गुत्ती बलारी सेवालाल महाराज की जयंती है, उस जयंती में पवित्र जगह पे आप नया आदमी कौन होगा, या इसमें से दोनों में से या तीन और एक नया आदमी कौन होगा, वहां पे अपन डिसीजन लेंगे, एनएसी मीटिंग वहां पे लेंगे। 14 तारीख को वहां पे मीटिंग बुलाया गया, वहां पे सेवागढ़ में मीटिंग बुलाया गया। वो मीटिंग में लाइन से राजू नायक को पहला भाषण करने दिया, पब्लिक जनता ने कहा, राजू नायक कहा मैंने मेरे को कंटिन्यू दीजिए आप लोग 5 साल का, तो जनता ने किसने हाथ नहीं उठाया। उसके बाद तिलावत जी ने भाषण किया, बोला कोई हाथ उठाया नहीं। उसके बाद मेरे बाजू में हम लोग लाइन से बैठे थे, एक्स मिनिस्टर जगन नायक ना, जगन नायक जी बैठे थे और लाइन से बड़े बड़े हमारे दिग्गज बैठे थे, जो डायरेक्ट हमारे मेरा हाथ उठाया जगन नायक जी, बोले शंकर पवार को बनाओ। तो आप भी थे और जगन नायक भी, राजू नायक भी थे, हाथ उठाया। तो जन जननी ने मुझे फूल के हार स्वागत किए, वो वीडियो क्लिप है आप लोग के पास, प्रूफ, वो प्रूफ है। वो मैंने लेके जैसा मुझे बनाया,
जितने संत मेरे ख्याल से 30-35 लोग थे, 35 लोग थे हमारे संगठन का। मैंने चैटरी कमीशन में वो रिपोर्ट सबमिट कर दिया मेरा। वो सबमिट करने के बाद तिलावत और राजू नायक का डिसमिस हो गया कोर्ट ने, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया। अब वो डिसमिस हुआ तिलावत और राजू नायक का, उसने स्टे लिया हुआ है, स्टे कोरोना काल में। स्टे होने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो अध्यक्ष है। आज वो कागज बता रहा है वो अध्यक्ष बोल रहा है ना, वो स्टे का अर्थ है वो अध्यक्ष नहीं होता है। दोनों को डिसमिस करने के बाद मेरा चेंज रिपोर्ट इस पास हो गया। तो अध्यक्ष कानूनी के हिसाब से रंजीत नायक के बाद होगा तो शंकर पवार है, उसके वाला कोई नहीं आज तक। ये मैं हकीकत आपके सामने कह रहा हूं। और आज तक वो गुमराह कर रहा है, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, लोगों से 5,000 रुपया पावती फाड़ रहा है, पैसा जमा कर रहा है, लोगों को चुतिया बना रहा है, लोगों से पैसा खा रहा है। तो ये जो कर रहा है 3-4 साल से, तो मैं आप मीडिया को पूछना चाहता हूं, आप लोग क्यों अंधेरे में बैठे हो? आप लोग पूछे उससे पर्सनल कि आज 4 साल अकाउंट किसके पास है, रिटर्न फाइल किसके पास है। मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। राजू नायक ने मुझे बिठाया है, पेपर दिया हुआ है, हैंड ओवर दिया है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है, रिटर्न फाइल में 3 साल का मैंने कर रहा हूं। रिटर्न फाइल जो भी है ऑल इंडिया का डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और मेरे पास जो भी पेपर ऑफिशियली है वो मेरे पास है। इसके पास कुछ भी नहीं, एक स्टे का कागज लेके उसका अर्थ अध्यक्ष नहीं होता। और मेरे बारे में ये जनसंख्या का जो गरीबों का हमने भव्य कार्यक्रम लिया, समाज का कुछ 11 मुद्दा मांगा मैं, ये क्या गलत है? गरीबों के लिए मांगा मैं, और उसको जाके मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है। ये शंकर पवार के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मंत्री को लिखता है ये कार्यक्रम में मत आओ। तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं पत्रकार लोगों को, ये गरीब को पेट पे लात मारने वाला ऐसा तिलावत अगर होता है तो आप लोग इसको क्या देते हो? क्या विचार है इसका? मैं जमाने में मेरा स्वत का खुद का एक पैसा अभी किसी से मन के नहीं, एक गरीब को अच्छा हो ऐसा मेरा भावना है। और मेरे विरोध ये कंप्लेंट कर रहा है, हैदराबाद में मैंने 200 करोड़ खा लिया, पैसा खा लिया, पावती बेच रहा हूं, डुप्लीकेट कर रहा हूं। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, आज तक आपने मेरी पावती देखा नहीं? इसका पावती मेरे पास है, मेरे पास जनता के ने आज तक पैसा जमा किया है, लोगों का आज तक करोड़ों रुपया जमा किया है, वो पैसा कहां है वो मुझे प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं उनसे। ये आज तक पैसा जो जमा किया कौन सा अकाउंट में डाला है, नॉन ऑथराइज अकाउंट में कौन सा है वो मुझे दिखाना चाहिए, ऐसा मेरी विनती है। और मीडिया को मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, ये प्रश्न आप लोग ने पूछना चाहिए, ये मेरी विनती है। जय सेवालाल, जय सेवालाल।